हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो देखो सुबह सुबह कैसे बारिश हो रही है। और आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और मैं नहाई नहीं थी, तो मतलब दीदी और मम्मी कर रही थी मंदिर की सफाई। और ये देखो, मैं इसको लाली को रख रही थी, तो ये देखो कैसे चली गई है मेरे से छूट के। ये मान ही नहीं रही थी, मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा चल देखती हूँ कि ये क्या करेगी। तो ये गई है वहाँ पे और सब चीज़ें देख रही है कि क्या है। और यहाँ पर दीदी मम्मी ठाकुर को नहला रही थी। और ये अपनी शटरगांठ में लगी हुई थी, पता नहीं क्या कर रही थी, तस्वीर उठा के बार बार जय कर रही थी। हाँ याद है मुझे, ये देखो माँ लड्डू गोपाल नए नए कपड़े पहन के इसकी सफाई करी थी दीदी मम्मी ने। अब अच्छी लग रही है अलमारी, है ना? अब अच्छी लग रही है अलमारी, अब पीछे अवरी लगा के। और बाहर इतनी सारी बारिश हो रही है, यहाँ पे चल रही है डेकोरेशन। हमारी ननद के पास एक ही लोअर है, तो यही लोअर रहता है इनके पास। यहाँ पे मम्मी घूम रही है पंजीरी। और फिर दोपहर में सब सजावट करने के बाद में हमने लाली को सजाया था, उसको बनाया था अपना लड्डू गोपाल। तो देखो हमारी प्यारी सी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। और उसके हाथ में बंसी दे दी, तो बस वो मोरपंख से ही खेलने में बिजी थी, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं था, पूरा मोरपंख तोड़ दिया। और यहाँ पर किचन में मम्मी भून रही थी मेवा, क्योंकि अभी मम्मी को मेवा पाक बनाना था। तो मतलब मम्मी ये सब कर रही थी। और अभी मम्मी ने काजू भून के रख लिए थे, बादाम डालने वाली थी, और बाकी सब भी मेवा कर रही थी। और दीदी उधर अपना गोभी वगैरह काट रही थी, और लाली मेरी गोद में थी तो मैं वीडियो बनाने में लगी थी। और यहाँ पर मम्मी ने डाल दिए मखाने, तो अभी ये भी भुन गए हैं, तो इनको भी निकाल लेंगी। और उसके बाद में फिर इसमें डालेंगी चीनी, उसके बाद में डालेंगे इसमें चीनी। तो यहाँ पर चीनी भी डाल दिया, और उसमें पानी डालकर अपना चाशनी बनाने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मतलब ये सब हो गया है, तो उसके बाद में डाल दिया मम्मी ने इसमें मेवा, तो डाली नहीं इसमें मेवा वगैरह, सब लास्ट में डालेंगे। अच्छा, तो बाद में उबाल आ जाएगा, ये जमने लायक हो जाएगा। उसके बाद में फिर मम्मी मेवा वगैरह डालेंगी। तो यहाँ पर बस अभी मावा डाल के इसको चला रही है, और ये थोड़ी देर बाद फिर जमने लायक हो गई थी, तो मम्मी ने इसमें डाल दिए हैं मेवा, पूरे सारे मेवा डाल के। अब इसको मम्मी थोड़ा देर चलाएंगी और फिर उसके बाद में जमा देंगी। तो यहाँ पर हमारी कतरी भी बनकर रेडी है। और मुझे जन्माष्टमी पे ये खाने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब फेवरेट सी समझ लो इनको। और यहाँ पर मैंने सब्जी भी छौंक दी थी। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, और सारा खाना वगैरह तो सब बन के रेडी है। जब शाम को मतलब रात को फास्ट खोलेंगे तभी खाएंगे सब खाना, लेकिन उससे पहले अभी मैं कर रही थी पूजा की तैयारी। सब तैयारी पहले से ही करके रख देंगे, तो फिर बाद में मतलब टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, 12 बजते ही फिर पूजा कर लेंगे। तो अभी बस मैं यही पूजा की थाली धोकर लाई थी, तो उसी को पोंछ के रख रही हूँ। इसमें धूप बत्ती वगैरह दीपक वगैरह सब लगा कर रख दूँगी, फिर बाद में करना नहीं पड़ेगा। Thank you.
अभी यहाँ पर पूजा की सारी तैयारियाँ तो हो गई हैं, तो अब इन सब को उठा कर रख देती हूँ ऊपर। और दीदी लेकर आई थी फूल, तो अभी उनसे भी सजाना है, तो बस मैं इनको लगा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी फूल। तो अभी मैं जो दीदी लेकर आई थी फ्लावर्स वो भी थोड़े बहुत लगा देती हूँ। वैसे तो जगह नहीं है, छोटी सी टेबल है, तो उस पर इतना मतलब सजाने के लिए स्पेस नहीं है, क्योंकि कान्हा जी भी रखने हैं, उनका झूला वगैरह भी है पीछे, तो जो आगे आगे मतलब थोड़ा सा है वहीं पर लगा दूँगी, तो बस मैं वही लगा दे रही हूँ। और मेरे पास दीदी भी बैठी थी, तो मैं उनसे बोल रही थी आ जाओ, तो वो बोल रही थी कि नहीं अपने आप ही लगाओ देखो, लेकिन फिर बाद में आ गई, तो वो भी लगवा रही हैं अभी मेरे साथ, देख रही हैं कि मतलब कैसे है। अभी मैं भी रेडी हो गई हूँ, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, यहाँ कर रहे हैं मंदिर तैयार, ये भी तैयार करेगी, इसको भी दे दो, तुमको भी चाहिए, इसको ना दोपहर में कान्हा जी बनाया था और ये थोड़ा ऐसी कर रही थी, माला वाला सब पहना दी थी, तो इसलिए तो फिर उतार दिया। छोटे छोटे बाल क्यों नहीं नीचे होते? आज मैंने साड़ी पहनी है, मैं नहीं बोलूंगी, अभी ठाकुर जी जब मतलब पैदा हो जाएंगे 12 बजे तब बैठेंगे, क्योंकि अभी वो पैदा नहीं हुए। ये माय गाय माता अपने बेबी के साथ माता। लाली टाटा कर रही है, टाटा नहीं माता बोल रही है। लाली क्या, और इसने मेरा ट्राइपॉड गिरा दिया, फोन भी गिरा दिया मेरा। और अभी बज गए हैं रात के 12, श्री कृष्ण जी का जन्म हो गया है, तो मम्मी अब नहला रही हैं मतलब छोटे वाले ठाकुर जी को, अभी उनको नहला दिला कर तैयार कर कर उनके आसन पर विराजमान करेंगी। तो अभी लड्डू गोपाल नहा लिए हैं, अभी उनको नए नए वस्त्र पहनाएंगे मम्मी, उसके बाद में उनका श्रृंगार करेंगी। तो यहाँ पर मम्मी ने इनका श्रृंगार करने के बाद में छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को बिठा दिया झूले पर, क्योंकि हमारे यहाँ झूला एक ही है, दूसरा है नहीं, और तो मतलब एक को झूले पर बिठा दिया है, दूसरे को सिंहासन पर बिठा दिया है, दो लड्डू गोपाल हैं तो उनको छोटे वाले को बिठा दिया इसीलिए। और अभी मैं भी मतलब मैं ये दीदी हम तीनों ने भी नहीं करी थी, तो अभी बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को मैं और ये और दीदी नहलाएंगे, तो बस मैं इनका पूजा कर रही थी। तो
तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को नहला दिया था। फिर बाद में मम्मी ने बोला कि इनको ना थोड़ा सा चरणामृत में थोड़ा डुबकी लगवा दो, तो मैंने फिर बाद में इनको लगवाई। तो ये देखिए, और फिर मैंने नहला दिया था, मैंने मतलब चरणामृत में कर दिया था। तो फिर मैंने नहलाने के बाद में इनको दे दिया था कि अभी आप कर लो, और दीदी भी थी तो दीदी ने भी किया था। तो मैंने, दीदी ने और इन्होंने मिलकर ये बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को नहला दिया था, और छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को मम्मी ने पहले ही तैयार कर दिया था। और लाली भी इनकी गोद में बैठी थी और शैतानी कर रही थी, ये देखो क्या करवा रहे हैं, कैमरे के सामने बार बार इसको लेकर आ रहे थे और बार बार वो ऐसे ही मतलब कर रहे थे, बिगड़वा रहे थे। और यहाँ पर मैं कर दे रही हूँ इनका श्रृंगार, लड्डू गोपाल जी को पहना दे रही हूँ पोशाक। तो ये देखिए, यहाँ पर हम सब ने कर दी है पूजा। और ये देखिए लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं पीले वस्त्रों में, और मतलब बहुत प्यारे लग रहे थे, एकदम नज़र नहीं हट रही थी, इतने प्यारे लग रहे थे। और नीचे पूजा और मतलब आरती करने के बाद में, क्योंकि छोटे ठाकुर जी और वो नीचे बिठा दिए थे हमने, तो मम्मी कर दे रही हैं ऊपर ये लक्ष्मी नारायण जी की आरती और बाकी भगवान जी की आरती और तुलसी माता की। और पूजा करने के बाद में फिर खाना लगा लिया था। तो आ जाइए, आप सब भी खा लीजिए खाना। और आपको हमारी जन्माष्टमी का व्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, एंड मेरे चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।